A new inversion from Inversion Baby. सो फ्रेंड्स, रिजल्ट डेट डिक्लेयर हो गया है। जो 2019 में गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का, वो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट डेट है डिक्लेयर हो गया। मैं उसमें टोटल कितना क्या परसेंटेज है, देन क्या टोटल डिटेल्स है, मैं वो सब डिस्कस करूँगा। देखिए, जो नया नोटिफिकेशन है तो उसका मैं बता दूँगा। जो नया नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं एक बार बात करूँगा। देखिए, RRB जो वैकेंसीज निकले थे, RRB पैरामेडिकल कैटेगरीज, उसके आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, जो वेबसाइट है RRB अगर गुवाहाटी के, तो RRBGuwahati.in मार के आप लोग इस साइट पे आ जाएंगे। देन देखिए, फर्स्ट जो है डाउनलोड ई कॉल लेटर्स, यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड जिन्होंने अप्लाई किया है इसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सब लोग APTCL का रिजल्ट के डेट के बारे में पूछता है, तो उसका कुछ तो हाल है। सब लोग बोल रहा है जुलाई के लास्ट में देगा, अगस्त में देगा, लेकिन एक्चुअली इसको टाइम लगेगा। बिकॉज आप लोग देख सकते हैं, जो आपका ड्राइवर का पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 28 अप्रैल से पहले हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिज़ल्ट उसका ही आएगा। अभी तक उसका ही रिज़ल्ट नहीं आया। तो जो ऑफिस कम फील्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम सेप्टेम्बर लग जाएगा, क्योंकि इतना सारा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो जो जिन्होंने कहा था जो जुलाई में लास्ट में मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक जो ड्राइवर पोस्ट है उसका ही नहीं निकला है। सो अब जो रिज़ल्ट डेट डिक्लेयर हुआ है, देखिए रिज़ल्ट डेट 11 सितंबर 2019, वो भी आपका जो रिसेंटली एसएस एग्ज़ाम हुआ है। तो दिस इज़ द डेट ऑफ एग्ज़ाम हेल्ड बिटवीन 1 जुलाई टू 11 जुलाई, वो SSC CHSL का 10+2 का जो फिलहाल एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसका रिजल्ट इतना जल्दी दे देगा 11 सितंबर 2019। एंड देखिए कितना रजिस्टर किया था, 29.68 लाख ने रजिस्टर किया था। एंड जिन्होंने अब तक अपेयर्ड किया था वो है 13.17 लाख। तो जो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस 44% है, थोड़ा सा कम है, लेकिन देखिए टोटल शिफ्ट कितना था यहाँ पे देख सकते हैं। देन एग्जामिनेशन वेन्यूज कितना था, एंड जो 33 जो एग्जामिनेशन जो स्टेट में हुआ था सब में हुआ था। तो इतना जो 13.17 लाख का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 11 सितंबर 2019 में। एंड उसके बाद इसका टायर टू भी एग्ज़ाम जो सितंबर के एंड में तो हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिएगा जिन्होंने रिजल्ट एंड आपका फर्स्ट जो टायर वन है वो क्लियर हो गया, तो सेकेंड के लिए आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड SSC का कट ऑफ जो जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए कम से कम 150 मार्क्स होता है, एंड SC ST के लिए थोड़ा सा कम होता है 120 और 130, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए उसके, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो 150 मिनिमम मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो इतना ही था, एंड फॉर दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।